हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूँ। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन आज हमारा लेक्चर नंबर 7 रहेगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, क्या इसके हमारे यहाँ पे टाइप्स होते हैं और जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे रहेंगे नेचुरल सिलेक्शन के, उसके हमारे कौन कौन से यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में यहाँ पे बात करके चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नेचुरल सिलेक्शन के लिए, तो ये हमारा क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच स्पीसीज अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। अब जैसे कि यहाँ पे हमारी कोई स्पीसीज है, अब वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर रही है, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचर है, नेचर किसको सिलेक्ट करेगा, जो उसके लिए बेस्ट रहेगा। अब कौन बेस्ट रहेगा, जो अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट कर पाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोई हमारे यहाँ पे एक्स स्पीसीज है, एक हमारे यहाँ पे वाई स्पीसीज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो इनका इन्वायरमेंट है ना, वो यहाँ पे कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। अब जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो किसको यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, जो नेचर है वो किसको सिलेक्ट करेगा, जो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बेटर यहाँ पे चेंज करता रहेगा। अब जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें हम एक्स के लिए, एक्स तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता जा रहा है, ठीक है, जबकि जो वाई है ना, वो अपने आप को यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे वाई होगा वो क्या हो जाएगा, उसको नेचर यहाँ पे आगे फर्दर सिलेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे एक्स होगा वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच स्पीसीज अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट थ्रू सेलेक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग चेंजेस इन इट्स जीनोटाइप। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें कि नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचर है वो सिलेक्ट किसको करेगा, जो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप को चेंज करे। अब जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो किस में आ रहे हैं, उसके फिनोटाइप के अंदर आएंगे, ठीक है। और फिनोटाइप की अगर मैं यहाँ पे बात करें, तो उसका जो बेसिक रहता है वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, जीनोटाइप होगा, ठीक है। देखो, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट अपने हिसाब से, या फिर अगर हम बात करें कि जो नेचर है वो किसको यहाँ पे सिलेक्ट करता है, किसके बेसिस पे उनको सिलेक्ट करेगा, उनके फिनोटाइप के ऊपर, उनके फिनोटाइप के ऊपर, ठीक है। इन्वायरमेंट को या फिर नेचर को यूं थोड़ी ना है कि उसके जीनोटाइप को वहां पे वो स्टडी करेगा। जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं अपने स्पीसीज के अंदर, वो फिनोटाइप के अकॉर्डिंग उनको क्या करता है, वहाँ पे सिलेक्ट करेगा कि किसके फिनोटाइप यहाँ पे बेटर है, ठीक है। और फिनोटाइप की अगर मैं पे बात करें, तो फिनोटाइप किससे हमारे आते हैं, जीनोटाइप से ही आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या बताया, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट थ्रू सेलेक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग चेंजेस इन इट्स जीनोटाइप, ठीक है। और जीनोटाइप से ये किस में चेंजेस आएंगे, फिनोटाइप के अंदर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन के लिए बेसिक यूनिट की बात करें ना, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, फिनोटाइप में आएगा, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इज द डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू डिफरेंस इन द फिनोटाइप। जो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो किसके बेस पे करेंगे, फिनोटाइप के ऊपर। अगर हमारे यहाँ पे दो स्पीसीज है और इनके अंदर अगर हमारा कोई फिनोटिपिक डिफरेंसेस रहेगा, तो उसी के बेस पे तो आप इनको क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे, और तभी तो आप हम बता पाएंगे ना कि कौन सी स्पीसीज हमारे यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू करेगी, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन टेंड्स टू लीड एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अलील दैट कन्फर्स द हाईएस्ट फिटनेस इन ए गिवन एनवायरमेंट। जो हमारे यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा एक पर्टिकुलर टाइप के जो अलील होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने पीछे बात की थी ना कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के जीनोटाइप को यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्दर आगे लेके चलेंगे। और जो हमारा जीनोटाइप है ना, वही हमारे यहाँ पे किसको डिफाइन करेगा, फिनोटाइप को। तो इसीलिए हमने आप क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होता है ना, वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा एक पर्टिकुलर टाइप के जीनोटाइप, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइप के एक अलील को, ठीक है, जीनोटाइप में क्या हमारा यहाँ पे आएगा, अलील आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन है ना, वो हमारे एक पर्टिकुलर टाइप के अलील की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, ठीक है, उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वो जो हमारे यहाँ पे हम अलील की बात कर रहे हैं ना, कि एक पर्टिकुलर टाइप के अलील को यहाँ पे इंक्रीज करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो वो हमारा अलील क्या होगा, वो अलील हमारा हाईएस्ट फिटनेस वाला होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक ही स्पीसीज है, ठीक है, और एक ही स्पीसीज के हमारे पास यहाँ पे दो इंडिविजुअल हो गए, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक एक्स है और एक हमारे यहाँ पे वाई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि दोनों के पास जीनोटाइप तो है, देखो कलर तो दोनों के पास ही है, ठीक है, जैसे कि इसका यहाँ पे कलर हो जाता है वाइट ही हो गया, ठीक है, और इसका कलर यहाँ पे क्या हो गया, वैसे इनिशियली इसका भी वाइट ही कलर था, ठीक है। अब क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है कि जिनका कलर डार्क है ना, सिर्फ वही यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नेचर नेचर यहाँ पे किनको सिलेक्ट कर रहा है, जिनका कलर यहाँ पे डार्क है।
अब ये डार्क कलर किसी वजह से क्या आएगा, देखो कलर तो दोनों के पास ही है, व्हाइट ये भी है व्हाइट ये भी है, लेकिन जब इनके यहाँ पे अलील्स के अंदर कोई डिफरेंस आएगा जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका कलर यहाँ पे क्या हो गया डार्क कलर हो रहा है, ठीक है, तो नेचर क्या करेगा इनको यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, जो हमारे यहाँ पे अलील जो कि डार्क के लिए हमारे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, वे अलील जो कि डार्क कलर को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, सिर्फ उनको यहाँ पे क्या करेंगे हम आगे कंटिन्यू करके चलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा अलील डार्क कलर के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है उसकी यहाँ पे फिटनेस क्या होगी, हाईएस्ट फिटनेस होगी, तभी तो नेचर उसको सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे हाईएस्ट फिटनेस की जो बात कर रहे हैं ना, हाईएस्ट फिटनेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि नेचर किसको यहाँ पे सिलेक्ट करके चल रहा है, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप के जो अलील रहेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके जो नंबर्स होंगे वे हमारे यहाँ पे क्या होंगे इंक्रीज होंगे, ठीक है, वे हमारे एक्यूमुलेट होते रहेंगे, ठीक है, और एक्यूमुलेट वो क्यों हो रहे हैं क्योंकि वे हमारे यहाँ पे हाइएस्ट फिटनेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है, इन सम केसेस हाउएवर सिलेक्शन विल मेंटेन ए नंबर ऑफ अलील्स इन ए पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली इफ द रिलेटिव फिटनेस ऑफ द डिफरेंट अलील चेंजेस ऑन ए स्पेशियल और टेम्पोरल स्केल। देखो कई बार अभी तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप के हमारे यहाँ पे अलील की फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ पे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जिसके अंदर क्या है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, एक हमारे यहाँ पे ए इन्वायरमेंट हो गया, एक हमारे यहाँ पे बी इन्वायरमेंट है, अब ए इन्वायरमेंट के अंदर क्या है कि हमारे यहाँ पे एक्स अलील की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इसकी हाईएस्ट फिटनेस यहाँ पे है, यानी कि इस अलील वाले हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके यहाँ पे क्या है उनकी एक्युमुलेशन यहाँ पे ज्यादा है, और जब यहाँ पे हम बात करें बी इन्वायरमेंट के लिए, तो बी इन्वायरमेंट के अंदर क्या है कि जो वाई अलील है ना, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या है इसकी हाईएस्ट फिटनेस है, ठीक है, ए इन्वायरमेंट के अंदर तो हमारे यहाँ पे एक्स जिनके पास अलील है वे हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्वाइव कर रही है, और जो हमारा बी है उसके अंदर हमारा जिसके अंदर वाई अलील है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है। तो ये भी हमारे केसेस हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन के अंदर, जैसे कि आगे हम एक बैलेंसिंग जो हमारे नेचुरल सिलेक्शन रहता है उसको हम स्टडी करेंगे, तो वहां पे आपको ये डाउट और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है, नेचुरल सिलेक्शन कैन फॉलो वन ऑफ द फोर पाथवे, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, बैलेंसिंग एंड डिसरप्टिव। जो हमारा जो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि हमारे एक से ज्यादा हमारे यहाँ पे अलील एक पॉपुलेशन के अंदर हमारे यहाँ पे अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर हमारे यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, तो वो हम बैलेंसिंग या फिर डिसरप्टिव के अंदर वहाँ पे हम स्टडी करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन है उसके हमारे यहाँ पे चार अलग अलग पाथवे हो सकते हैं, डायरेक्शनल हो सकता है, स्टेबलाइजिंग हो सकता है, बैलेंसिंग हो सकता है और डिसरप्टिव हो सकता है, तो एक एक करके हम इनके बारे में यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है, इट फेवर इंडिविजुअल एट वन एक्सट्रीम ऑफ ए फिनोटाइप डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज द ग्रेटर रिप्रोडक्टिव सक्सेस इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। देखो जो हमारे यहाँ पे डायरेक्शनल, डायरेक्शनल से जैसे नाम से अगर हम यहाँ पे लेके चले, तो इसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल होंगे ना, सिर्फ वही हमारे यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, ठीक है, उनकी जो फिटनेस होगी वो वहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस होगी वो यहाँ पे क्या होगी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारे यहाँ पे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक ग्राफ हमारे यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हाइट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो ऐसे हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल सर्वाइव कर पा रहे हैं जिनकी जो हाइट है ना वो सबसे ज्यादा है, मतलब हाईएस्ट है यहाँ पे अगर हाइट होगी तो ही हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहा है, जिसकी अगर मीडियम हाइट है या फिर कम हाइट है तो वो हमारे यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उसमें हमारे यहाँ पे ग्राफ किस टाइप का हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे अगर ग्राफ है तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम वाले जो हमारे यहाँ पे फिनोटाइप है, देखो फिनोटाइप तो हमारे यहाँ पे दूसरे भी है, जिसकी कम हाइट है वो भी यहाँ पे एक यहाँ पे हमारा फिनोटाइप है, जिसकी मीडियम है वो भी हमारे यहाँ पे एक फिनोटाइप है, और जिसकी हाईएस्ट थी वो भी हमारे यहाँ पे एक फिनोटाइप है, तो ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं एक्सट्रीम हो जाएंगे, ये भी एक्सट्रीम है एक और ये भी हमारे यहाँ पे एक एक्सट्रीम है। जब हमारे एक पर्टिकुलर टाइप के एक्सट्रीम ही हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं या फिर उसके हमारे यहाँ पे हाईएस्ट रिप्रोडक्टिव सक्सेस है, तो उसी को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, डायरेक्शनल सिलेक्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले, वो डायरेक्शन हमारे यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड भी हो सकती है और वो हमारे लेफ्ट साइड भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम जैसे कि एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ना कि हाईएस्ट हाइट वाले हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, इसके अपोजिट भी अगर हम यहाँ पे केस कर देते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारे कम हाइट वाले हैं सिर्फ वही हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा किस में आएगा, डायरेक्शन सिलेक्शन के अंदर, जब हमारे एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम केसेस के अंदर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे या तो उनकी हाईएस्ट हाइट हो या फिर उनकी लोवेस्ट हाइट हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा एक्सट्रीम हो जाएगा। तो जब हमारे एक एक्सट्रीम फिनोटाइप वाले अगर हमारे वे इंडिविजुअल की जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है
वो हमारे सबसे हाईएस्ट रहेगी, तो उसको हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, डायरेक्शन सिलेक्शन। ठीक है, नेचर किनको सिलेक्ट कर रहा है, जिनके एक्सट्रीम फिनोटाइप है। नॉर्मल फिनोटाइप को यहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा, अगर आपके यहाँ पे एक्सट्रीम फिनोटाइप है तो ही हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो उसी को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, डायरेक्शन सिलेक्शन। इट मे अराइज बिकॉज ए न्यू एलील मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन टू ए पॉपुलेशन बाई म्यूटेशन एंड द न्यू एलील मे कन्फर द हाइएस्ट फिटनेस इन द इंडिविजुअल हु कैरी इट। देखो, ये हमारा जो डायरेक्शन सिलेक्शन है वो हमारा कब यहाँ पे होता है, जब एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के अंदर एक हमारे यहाँ पे एक न्यू अलील यहाँ पे अराइज हुआ। ठीक है, कोई म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक न्यू अलील यहाँ पे जनरेट हो गया। अब जो यहाँ पे ये न्यू अलील है ना, जो हमारे यहाँ पे जनरेट हुआ रैंडमली, तो इस अलील की अगर यहाँ पे फिटनेस हाइएस्ट होती है, एंड द न्यू अलील मे कन्फर ए हायर फिटनेस इन इंडिविजुअल हु कैरी इट, तो यहाँ पे हमारे किसको यहाँ पे जनरेट करेगा, डायरेक्शन सिलेक्शन को। हमारे यहाँ पे कोई नया एलील हुआ और नया एलील से यहाँ से क्या हो रहा है कि उसके जो फिटनेस है ना वो हमारे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो अगर उस एलील की यहाँ पे हाईएस्ट फिटनेस होगी तो यानी कि जो इंडिविजुअल उसको कैरी कर रहे हैं उनकी भी फिटनेस क्या होगी, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है, और वही हमारे यहाँ पे क्या होंगे, फर्दर आगे सिलेक्ट होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस यहाँ पे क्या है, सबसे हाईएस्ट है, और उसी को हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्शन सिलेक्शन। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हम लेके चलते हैं, कलर चेंजेस इन पेपर्ड मोथ, ठीक है, बिस्टन बिटुलिरिया इन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द यूरो। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं किसका, पिपर मोथ का, जिसको जो साइंटिफिक नेम है इसका, वो यहाँ पे क्या होता है, वेस्टर्न बिटुलेरिया। ठीक है, और ये कहाँ का एग्जाम्पल है, ये हमारा है इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द यूरोप का। इसके अंदर क्या होता है, इनिशियली दिस मोथ वर यूनिफॉर्मली पेल ग्रे और वाइटिस इन कलर। इनिशियली अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारे ये पिपर मोथ थे ना, वेस्टर्न बिटुलेरिया, ये हमारे किस कलर के होते थे, पेल ग्रे या फिर वाइटिस कलर के। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, द फर्स्ट डार्क कलर इंडिविजुअल वॉज रिकॉर्डेड इन मैनचेस्टर इंग्लैंड इन 1848। अब इनिशियली तो ये हमारे किस कलर के थे, पेल ग्रे कलर के थे, ठीक है, या फिर वाइटिश कलर के होते थे, लेकिन बाद में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि 1848 के अंदर इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर में यहाँ पे फर्स्ट डार्क कलर का एक इंडिविजुअल यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स द डार्क कलर फॉर्म केम इन टू डोमिनेंट टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एरिया स्पेशली दोज ऑफ द एक्सट्रीम इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि नेक्स्ट 100 ईयर के अंदर जो हमारे यहाँ पे डार्क कलर के जो इंडिविजुअल है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डोमिनेंट कर जाते हैं। जो हमारे इनिशियली पहले यहाँ पे पेल और वाइटिस कलर के यहाँ पे होते थे, वे हमारे यहाँ पे क्या हो गए, कम हो गए, और ज्यादा नंबर यहाँ पे हमें किसके देखने को मिल रहा है, डार्क कलर वालों के। ठीक है, और मेजरली कहाँ पे, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी ज्यादा है। ठीक है, जहां जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वहां पे डार्क कलर के जो मौत है उनके नंबर यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू पेल ग्रे और व्हाइटिश मौत के। ठीक है, दिस फेनोमेना एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डार्क कलर म्यूटेंट इन पोल्यूटेड एरिया बिकम इंडस्ट्रियलाइजेशन मेलेनिज्म। और जो हमारे यहाँ पे ये फेनोमेना है ना, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जहां जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है वहां पे हमारे पेल ग्रे या फिर व्हाइटिश कलर के मौत ना होके वहां पे कौन से कलर के हो रहे हैं, डार्क कलर के मौत हमारे यहाँ पे डोमिनेट नेचर की हो रही है, तो उस फेनोमेना को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ठीक है, हियर द पोल्यूशन डिड नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द म्यूटेशन रेट। फॉर एग्जाम्पल, कैटरपिलर फीडिंग ऑन द शूट कवर्ड लीव्स डिड नॉट गिव राइज टू द डार्क कलर एडल्ट। देखो, यहाँ पे ना आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो पोल्यूशन है ना वो डायरेक्टली यहाँ पे म्यूटेशन करवा रहा है। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रीज है ना, ठीक है, ट्रीज के ऊपर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है कि जो शूट कवर है ना वो हमारा किस कलर का हो गया, ये हमारा डार्क कलर का है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी हमारे ऐसे मौत है जो कि इसके ऊपर हमारे यहाँ पे फीड कर रहे हैं, जो भी इसके ऊपर यहाँ पे रह रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे डार्क कलर की हो रही है, इसके ऊपर हमें यहाँ पे व्हाइट कलर की भी मौत देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोल्यूशन है ना वो डायरेक्टली यहाँ पे यूं नहीं है कि वो ही म्यूटेशन करवा रहा है। ठीक है, पोल्यूशन का यहाँ पे डायरेक्ट रोल नहीं है। अगर पोल्यूशन का यहाँ पे डायरेक्ट रोल होता तो यहाँ पे जो भी हमारे ये इस ट्री के ऊपर जो भी हमारे मौत इसके ऊपर यहाँ पे फीड करते तो वो भी हमारे किस कलर के हो जाते हैं, यहाँ पे डार्क कलर के हो जाते हैं, लेकिन ये तो अभी भी हमारे किस कलर के है, व्हाइटिश कलर के है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द टिपिकल पेल ग्रे और व्हाइटिश फॉर्म आर क्रिप्टिक व्हेन रेस्टिंग ऑन द लाइकन कवर्ड ट्री वेयर एज डार्क फॉर्म आर कॉन्सिपियस। हाउएवर, एन इंडस्ट्रियल एरिया लाइकन आर किल्ड ऑफ, ट्री बार्क बिकम शूट कवर्ड एंड डार्कर एंड द डार्क मॉथ आर मोर क्रिप्टिक। देखो, यहाँ पे क्या होता था, अगर मैं यहाँ पे इनिशियली की बात करें, इनिशियली हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल एरिया की अगर मैं यहाँ पे बात करें, उस टाइम पे यहाँ पे क्या था
कि जो ट्रीज थी ना उनके ऊपर यहाँ पे क्या होता था, लाइकन होते थे, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे पेल ग्रे या फिर जो व्हाइटिश कलर के जो होते थे, जैसे ये यही हो जो हो रही है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाते थे, ये हमारे इन लाइकन के साथ यहाँ पे क्रिप्टिक हो जाते थे। क्रिप्टिक होने का इनका फायदा क्या होता था कि जो इनके प्रिडेटर होते थे ना वो इनको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पाते थे, वो इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, ठीक है। डार्क कलर वालों को वो इजिली वहां पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जैसे कि हमारे यहाँ पे स्क्रीन जो है ना वो व्हाइट कलर की है, तो यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारे यहाँ पे लाइकन हो गया, तो जो हमारे यहाँ पे डार्क कलर के होंगे ना वे तो हमारे यहाँ पे इजिली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको तो इजिली यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो इनिशियली क्या था कि इनिशियली यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी ना वो व्हाइटिश कलर की थी, डार्क कलर का यहाँ पे कोई था ही नहीं। डार्क कलर का अगर यहाँ पे कोई होगा भी तो उसको क्या कर लेगा, जो प्रिडेटर होगा वो उसको यहाँ पे इजिली आइडेंटिफाई कर लेगा और उसको किल कर देगा, ठीक है। जबकि जो व्हाइटिश कलर के होंगे ना वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, लाइकन के साथ हमारे यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं, वो अलग से आइडेंटिफाई हो ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये तो हमारा कब हो रहा था, जब इंडस्ट्रियली वहां पे नहीं थी। जैसे ही यहाँ पे इंडस्ट्री आती है तो उसके क्या हो जाता है कि जो यहाँ पे लाइकन्स थे, ठीक है, वो उसके यहाँ पे क्या हो गई, डेथ हो गई। हाउएवर इन द इंडस्ट्रियल एरिया लाइकन आर किल्ड ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो लाइकन्स थे उनके यहाँ पे डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ट्री पार्क बिकम द शूट कवर्ड एंड डार्कर, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ट्री कवर है ना वो अब कैसा हो गया, यहाँ पे डार्क कलर का हो गया। डार्क कलर जैसे कि आप यहाँ पे इस केस में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री हुई तो उसकी वजह से लाइकन की डेथ हो गई, और यहाँ पे जो अब जो ट्री बार्क है ना वो अब कैसा हो चुका है, ये डार्क कलर का हो चुका है, ठीक है। और डार्क कलर का होने की वजह से अब यहाँ पे क्या है कि जो डार्क कलर की हमारे यहाँ पे जो मोथ्स होंगे वे तो हमारे यहाँ पे इसके अंदर अडेप्ट हो जाएंगी, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे व्हाइटिश कलर के होंगे ना अब ये अलग से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचर होगा वो किसको यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, जब यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही थी तो उस टाइम पे यहाँ पे किसको सिलेक्ट कर रहा है, जो यहाँ पे डार्क कलर के होंगे, व्हाइटिश कलर वालों को यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे एक एक्सट्रीम फिनोटाइप के, देखो यहाँ पे हमारे ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा मीडियम कलर के जो हमारे यहाँ पे फिर जो मोथ्स है उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, या तो हमारे बिल्कुल व्हाइट कलर के हमारे सिलेक्ट हो रहे थे पहले, या फिर हमारे बिल्कुल डार्क कलर के यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो इनका मीडियम कलर होगा उसको तो हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हम कर भी नहीं रहे। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि अगर हम यहाँ पे पहले की बात करें तो पहले हमारे यहाँ पे जो व्हाइट कलर वाले थे वे हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे थे, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट कलर हो गया और ये हमारे यहाँ पे डार्क कलर हो गया, ठीक है। और जब यहाँ पे इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई थी तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारे जो डार्क कलर वाले हैं सिर्फ वही हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, बाकी हमारे यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे हम क्या नाम देंगे, डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। फर्दर द व्हाइट फॉर्म ऑफ द पेपर्ड मॉथ हैज मेड इट्स स्ट्रॉन्ग कमबैक इन ब्रिटेन सिंस क्लीन एयर एक्ट वॉज पास्ड इन द 1965। अब क्या हुआ, देखो पहले हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी तो उस टाइम पे हमारे कौन से यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, जो हमारे यहाँ पे व्हाइट कलर वाले थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइकन प्रेजेंट होते थे। जब यहाँ पे इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो लाइकन थे उनके यहाँ पे डेथ हो गई, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ट्री बार्क है वो यहाँ पे किस कलर का हो गया था, डार्क कलर का हो गया था, और जो हमारे यहाँ पे डार्क मोथ थे वे हमारे यहाँ पे अब सर्वाइव कर पा रहे थे, और जो व्हाइट वाले थे वे हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे थे। लेकिन फिर से क्या होता है कि 1965 के अंदर यहाँ पे क्लीन एयर एक्ट यहाँ पे पास हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो इंडस्ट्री यहाँ पे जो पहले पोल्यूशन बहुत ज्यादा था अब वो पोल्यूशन क्या हो गया, कम हो गया। पोल्यूशन कम होने की वजह से जो यहाँ पे लाइकन थे उनकी यहाँ पे ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो गई। लाइकन की ग्रोथ यहाँ पे जैसे स्टार्ट होगी तो जो हमारे यहाँ पे व्हाइट कलर के थे वे हमारे यहाँ पे फिर से सर्वाइव करना स्टार्ट कर जाएंगे, और जो हमारे यहाँ पे डार्क कलर वाले होंगे वे हमारे यहाँ पे एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है कि जो व्हाइट कलर के यहाँ पे जो मौत है ना उनका यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कमबैक होता है, कब, जब यहाँ पे 1965 के अंदर एक क्लीन एयर एक्ट यहाँ पे पास हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि पोल्यूशन कम हुआ। पोल्यूशन कम होने की वजह से यहाँ पे लाइकन की ग्रोथ हुई, और जो यहाँ पे डार्क कलर की जो डार्क बार्क होती थी, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे व्हाइटिश कलर के जो मौत थे उनके यहाँ पे ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव सक्सेस उनके यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे किसके अंदर आता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे कौन सी थी, लाइट कलर वाली थी, व्हाइट कलर के होते थे ना, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे ज्यादा सर्वाइव कर पा रहे थे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमारे यहाँ पे इनके ज्यादा थे। लेकिन जैसे यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री होना स्टार्ट हुई थी तो उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे लाइकन की डेथ हो गई थी। लाइकन की डेथ होने की वजह से जो ट्री बार्क था वो हमारे यहाँ पे किस कलर का हो गया था, डार्क कलर का हो गया था, जिसकी वजह से जो डार्क कलर माउथ थे वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहे थे, ज्यादा सर्वाइव कर पा रहे थे, ठीक है। तो बाद में यहाँ पे क्या होता है कि डार्क कलर हमारे जो हमारे यहाँ पे मौत थे उनके यहाँ पे नंबर हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जब इस तरीके का हमारे यहाँ पे चेंज होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के फिनोटाइप, एक्सट्रीम फिनोटाइप, एक पर्टिकुलर टाइप के भी ना बोल के हम क्या कहेंगे कि एक्सट्रीम फिनोटाइप वाले जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल है, अगर उनके यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सक्सेस सबसे ज्यादा होती है
उनकी यहाँ पे अगर रिप्रोडक्टिव फिटनेस यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगी, रिप्रोडक्टिव सक्सेस यहाँ पे ज्यादा रहेगी, तो वो हमारा किस टाइप में आएगा, जो हमारा यहाँ पे डायरेक्शन फिटनेस, डायरेक्शन सिलेक्शन होगा। ठीक है, एक और यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, गैलापागोस फिंचेस का। पीटर एंड रोजमेरी ग्रांट कंडक्टेड देयर स्टडी ऑन वन ऑफ द गैलापागोस आइलैंड नोन एज द डॉफिने मेजर। जो यहाँ पे पीटर और रोजमेरी ग्रांट होते थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, जो गैलापागोस आइलैंड है उन्हीं में से अलग अलग, यहाँ पे क्या है, गैलापागोस आइलैंड क्या होते हैं, एक बहुत सारे आइलैंड का हमारा यहाँ पे ग्रुप है, और उसी में से एक उन्होंने यहाँ पे कौन सा आइलैंड यहाँ पे सिलेक्ट किया था, डॉफिने मेजर। देयर दिस स्मॉल आइसलैंड हैज ए मीडियम ग्राउंड फिचेस गियोस्पिजा फोर्टिस विद रिलेटिवली स्मॉल क्रशिंग बीक अलाउिंग इट टू फीड ऑन द टाइनी टेंडर सीड्स। अब जो हमारे यहाँ पे ये डॉफिने मेजर यहाँ पे जो आइसलैंड है, ठीक है, इसके ऊपर उनको क्या देखने को मिलता है, उनके ऊपर यहाँ पे एक इंडिविजुअल यहाँ पे हमारे हैं, एक स्पीसीज यहाँ पे है मीडियम ग्राउंड फिंचिस, ठीक है, जिसको हम क्या नाम, जिसका साइंटिफिक नाम पे क्या होता है, जियोस्पीजा फोर्टिस। ठीक है, अब जो यहाँ पे जियोस्पीजा फोर्टिस या फिर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो हमारे फिंचिस है, ठीक है, इनके अंदर जो इनकी बीक है ना, वो यहाँ पे कैसी है, स्मॉल बीक है, ठीक है, स्मॉल क्रशिंग बीक है, और ये जो बीक है ना, स्मॉल बीक, ये हमारे किसके लिए परफेक्ट है, अलाउिंग इट टू फीड ऑन टाइनी टेंडर सीड्स। जो यहाँ पे इस बीक है, बीक कैसी है, स्मॉल साइज की है, और ये स्मॉल साइज की होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि जो टाइनी सीड्स है, ठीक है, उनके ऊपर ये फीड इजिली कर सकते हैं, छोटी सीड है, छोटी बीक है, तो आराम से वहां पे वो उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है, उनका यहाँ पे काम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं थी इनिशियली, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, इन द वेट ईयर ऑफ 1976 द प्लांट ऑफ डॉफिने मेजर प्रोड्यूस्ड एन अबंडेंट ऑफ टाइनी सीड्स दैट फिंचेस कुड क्विकली ईट। देखो 1976 तक तो यहाँ पे क्या होता था कि जो यहाँ पे प्लांट्स थे ना, ठीक है, वेट कंडीशन थी, वेट कंडीशन होने की वजह से क्या था कि जो डॉफिने मेजर यहाँ पे, जो हमारा आइसलैंड था, उसके अंदर जो प्लांट्स है ना, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे स्मॉल टाइनी सीड्स हैं उन्हीं को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारे टाइनी सीड्स है, और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे फिंचेस होती थी, वे हमारे कौन सी थी, जिनके अंदर बीक जो है वो स्मॉल साइज की है। अब इसी की वजह से क्या हो रहा है कि क्योंकि टाइनी सीड्स है और यहाँ पे जो बीक साइज था उनका वो कम ही था, तो वो यहाँ पे इजिली उनको यहाँ पे ईट कर रहे थे, उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन बाद में क्या होता है, हाउएवर 2 ईयर लेटर इन 1978 ए ड्रॉट अकर्ड एंड द प्लांट प्रोड्यूस्ड ए फ्यूर स्मॉलर सीड्स एंड मोर लार्जर ड्रायर सीड विच आर हार्डर टू क्रश। अब यहाँ पे क्या होता है, 1978 के अंदर यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉट कंडीशन हुई, ड्रॉट कंडीशन होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे प्लांट्स थे, जो कि पहले यहाँ पे क्या कर रहे थे, स्मॉल सीड्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन हो चुकी है, जिसकी वजह से जो प्लांट है ना, अब वो क्या कर रहे हैं कि जो स्मॉलर सीड्स है ना, वो तो यहाँ पे कम ही बना रहे हैं, फ्यू स्मॉलर सीड्स, लेकिन ज्यादा यहाँ पे कौन से बना रहे हैं, लार्जर एंड ड्रायर सीड विच आर हार्डर टू क्रश। देखो पहले क्या होता था, स्मॉल बीक थी, अब जो स्मॉल बीक है वो यहाँ पे क्या कर पाएगी, जो हमारे यहाँ पे टाइनी सीड्स होगी उन्हीं को तो यहाँ पे क्रश कर पाएगी, ठीक है, जो हमारे टाइनी सीड्स होंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो चुकी है, कंडीशन यहाँ पे चेंज हो चुकी है, कंडीशन चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे जो सीड्स है ना, वो भी यहाँ पे कैसे बन रहे हैं, लार्जर भी बन रहे हैं और ड्रायर भी बन रहे हैं। अब अगर यहाँ पे लार्जर एंड ड्रायर सीड्स अगर यहाँ पे होंगी, लार्जर और ड्रायर सीड्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी स्मॉल बीक होगी ना, अब ये तो इसको यहाँ पे क्रश नहीं कर पाएगी, ठीक है, विच आर हार्डर टू क्रश, इनको यहाँ पे क्रश नहीं कर पाएगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चेंजेस आने स्टार्ट होंगे, चेंजेस किस तरीके से, एज ए रिजल्ट बर्ड्स विद द लार्जर बीक वर मोर लाइकली टू सर्वाइव बिकॉज दे वर बेटर एट ब्रेकिंग ओपन द लार्जर सीड्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो वहाँ पे हमारे क्या हो रहे थे कि जिनकी हमारे यहाँ पे स्मॉल बीक थी, वे हमारे यहाँ पे ज्यादा नंबर्स में थे, ठीक है, क्योंकि टाइनी सीड्स होते थे, कोई दिक्कत वाली बात है थी नहीं वहाँ पे, ठीक है, तो इजिली वहाँ पे उनको क्रश करके उनके ऊपर वहाँ पे भी उनको ईट कर रहे थे। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे क्योंकि जो सीड्स है ना, वो हमारे लार्जर साइज की है और ड्रायर है, ठीक है, तो जो स्मॉल बीक वाले हमारे यहाँ पे जो फिंचेज होंगे ना, वो तो इनको यहाँ पे क्रश ही नहीं कर पाएंगे, और अगर ये क्रश ही नहीं कर पाएंगे तो नेचर इनको यहाँ पे फर्दर आगे सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे अडेप्ट नहीं हो पा रहे हो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लार्जर और ड्रायर सीड को अगर यहाँ पे आप क्रश नहीं कर पा रहे हो, तो जो हमारे यहाँ पे स्मॉल बीक वाले जो हमारे यहाँ पे फिंचेस होंगे, वे हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो हमारे लार्ज बीक वाले जो हमारे यहाँ पे फिंचेस होंगे, वे हमारे यहाँ पे क्या होंगे, फर्दर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पे लार्ज बीक वाले क्या है, जो लार्जर सीड्स और ड्रायर सीड्स है उनको यहाँ पे इजिली वो क्रश कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे इजिली सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे स्मॉल बीक वाले होंगे, वे हमारे यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हमारे जो एक्सट्रीम जो हमारे यहाँ पे फिनोटाइप है, लार्जर जितनी ज्यादा आपके यहाँ पे लार्जर बीक है, वही हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो इसी को यहाँ पे हम क्या नाम देंगे, डायरेक्शनल फिटनेस या फिर डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक
है, एज ए रिजल्ट बर्ड विद द लार्जर बीक वर मोर लाइकली टू सर्वाइव बिकॉज दे वर बेटर एट ब्रेकिंग ओपन द लार्जर सीड इन द ईयर आफ्टर ड्रोट एवरेज बीक डेप्थ इन द बर्ड इन पॉपुलेशन इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 10%। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, डायरेक्शनल फिटनेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इट फेवर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल विद द इंटरमीडिएट फिनोटाइप। देखो जो हमारा डायरेक्शनल फिटनेस होता था उसके अंदर हम क्या करते थे कि जो हमारे एक्सट्रीम फिनोटाइप जो होते थे ना उन्हीं को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके चलते थे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है इसके अंदर हमारे क्या होता है कि जो हमारे एक्सट्रीम वाले हैं ना उनकी तो फिर जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सक्सेस है वो यहाँ पे कम है, लेकिन जो हमारे इंटरमीडिएट फिनोटाइप है उनके यहाँ पे जो फिटनेस है वो यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि जो हमारे मीडियम फिनोटाइप वाले जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स होंगे उनकी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सक्सेस होगी, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू जो हमारे एक्सट्रीम के ऊपर जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए ट्रेट आर सिलेक्टेड अगेंस्ट। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम के ऊपर जो फिनोटाइप है उनके यहाँ पे जो चांसेस रहेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, कम रहेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इन्वॉल्व द क्लच साइज द नंबर ऑफ एग लेड इन द एनिमल। एनिमल्स के अंदर जो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एग्स यहाँ पे ले करते हैं, ठीक है, वही हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का। किस तरीके से, इट हैज बिन सजेस्टेड दैट बर्ड दैट ले एग दैट ले टू मैनी और टू फ्यू एग्स पर नेस्ट हैव लोअर फिटनेस वैल्यू देन दोज दैट ले इन द इंटरमीडिएट नंबर ऑफ द एग्स। अब जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे तीन केसेज है। ठीक है, एक तो यहाँ पे क्या है, कुछ हमारे ऐसे इंडिविजुअल है जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही कम यहाँ पे एग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक हमारे यहाँ पे वे इंडिविजुअल है जो कि हमारे यहाँ पे मीडियम नंबर ऑफ एग्स को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और तीसरे हमारे यहाँ पे कौन से है जो कि हमारे यहाँ पे लार्ज नंबर में एग्स को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, लेइंग टू मैनी एग्स, अगर यहाँ पे सबसे बहुत ही ज्यादा अगर यहाँ पे एग्स को ये जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे अगर ले कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, लेइंग टू मैनी एग्स इज ए डिसएडवांटेज बिकॉज मैनी चिक्स डाई ड्यू टू एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द फूड। अब देखो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर यहाँ पे एग्स होंगे, ठीक है, तो उनको यहाँ पे फीड करने के लिए फूड भी यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे चाहिए होगा, मोर फूड। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ज्यादा फूड तो यहाँ पे सभी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अब अगर यहाँ पे 1000 अगर यहाँ पे एग्स होंगे, ठीक है, तो जो फूड होगा वो यहाँ पे यूँ तो है नहीं कि सबके लिए यहाँ पे हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे सिर्फ 10 to 50 हमारे यहाँ पे ऐसे एग होंगे जिनको यहाँ पे पूरा फूड मिल पाएगा उनके सर्वाइवल के लिए, बाकी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो उनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस हुआ वो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। एग तो यहाँ पे कितने हुए थे, 1000 थे, लेकिन सर्वाइव यहाँ पे कितने कर पा रहे हैं, 10 to 50 यहाँ पे हमारे सर्वाइव कर पा रहे हैं, बाकी यहाँ पे डेथ हो रही है। तो यानी कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर यहाँ पे एग जनरेट होते हैं तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस हुई वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये किसके लिए हो गया, जब यहाँ पे हाईएस्ट हमारे यहाँ पे एग लेइंग थी। ठीक है, ये हमारे किसकी वजह से हो जाता है, ड्यू टू एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द फूड। इन एडिशन द पेरेंट्स सर्वाइवल मे बी रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन ऑफ ट्राइंग टू फीड ए लार्जर ब्रूड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हैविंग टू फ्यू ऑफस्प्रिंग रिजल्ट इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिवली फ्यू इंडिविजुअल टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब अगर यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ही कम अगर यहाँ पे एग्स होंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे 1 to 2 एग्स ही होंगे, तो अगर इन 1 to 2 एग्स में से अगर एक की भी यहाँ पे डेथ हो जाती है तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस होगा फ्यूचर जनरेशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल जा रहे हैं वे भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही कम होंगे। अगर यहाँ पे बिल्कुल ही कम अगर यहाँ पे एग्स होंगे तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगर किसी की भी यहाँ पे डेथ हो जाती है किसी कंडीशन के अंदर किसी कॉजेज की वजह से, तो उससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे यहाँ पे जो इंडिविजुअल जा रहे हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे भी यहाँ पे क्या होगा कि उस स्पीसीज के लिए या फिर उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के लिए हमारे यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि जो बिल्कुल ही कम यहाँ पे एग को प्रोड्यूस कर रहे हैं वे भी हमारे यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्स को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वे भी हमारे यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। ठीक है, और फेवरेबल कौन से हैं, जो हमारे यहाँ पे मीडियम नंबर ऑफ यहाँ पे या फिर इंटरमीडिएट नंबर ऑफ एग्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इतने भी कम नहीं होने चाहिए कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन में हमारे कोई पहुंच ही नहीं पाए, और इतने भी ज्यादा नहीं होने चाहिए कि यहाँ पे उनको फूड ही ना मिल पाए। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन एन इंटरमीडिएट क्लच साइज आर फेवर्ड। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल कम वाले हैं या फिर बिल्कुल ज्यादा वाले हैं वो हमारे यहाँ पे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, और जो यहाँ पे हमारे मीडियम नंबर या फिर इंटरमीडिएट नंबर ऑफ एक्स वाले थे वे हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ज्यादा नंबर में हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है बैलेंसिंग सिलेक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इज मेंटेन।
इस टाइप के जो सिलेक्शन रहेगा ना उसके अंदर हमारा क्या होता है, देखो पहले हमने जो स्टडी किया था डायरेक्शनल के अंदर, उसमें हम क्या कह रहे थे कि एक पर्टिकुलर टाइप के जो हमारे एक्सट्रीम एलील जो होगा, एक्सट्रीम फिनोटाइप होगा, उसी को आप हम सिलेक्ट करके चल रहे थे। बैलेंसिंग के अंदर हमारा क्या है कि इंटरमीडिएट वाले को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके चल रहे हैं। जो हमारा बैलेंसिंग सिलेक्शन होता है ना, इसके अंदर हम सभी को यहाँ पे लगभग इक्वल चांस, यूँ तो है नहीं कि बिल्कुल सभी को यहाँ पे हम इक्वल चांस देंगे, लेकिन रफली यहाँ पे हमारा क्या होता है कि सभी को यहाँ पे लगभग कुछ हमारे ऐसे यहाँ पे एलील्स होंगे मोर देन वन, जिनको यहाँ पे हम क्या करेंगे उनको यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे हम प्रोवाइड करके चलेंगे। इन दिस टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज मेंटेन। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक से ज्यादा हम यहाँ पे एलील को क्या करेंगे, उनको कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना वो यहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर मेंटेन रहेगी। हियर टू और मोर एलील आर केप्ट इन द बैलेंस एंड देयर फॉर आर मेंटेन इन ए पॉपुलेशन ओवर द कोर्स ऑफ मेनी जनरेशन। यहाँ पे हमारा क्या होगा कि मोर देन वन हमारे यहाँ पे एलील्स होंगे, वे हमारे यहाँ पे सर्वाइव करते रहेंगे। दिस सिलेक्शन डज नॉट फेवर वन पर्टिकुलर अलील इन द पॉपुलेशन। जैसे कि हमने बात की थी ना पीछे, हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, या तो हम एक्सट्रीम वाले को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे थे, फिर इंटरमीडिएट वाले को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके चल रहे थे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे बैलेंसिंग सिलेक्शन होता है ना, इसके अंदर हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारे एक पर्टिकुलर टाइप का हमारे यहाँ पे अलील ही यहाँ पे हमारा सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, दिस सिलेक्शन डज नॉट फेवर वन पर्टिकुलर अलील इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जेनेटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड टू कॉमन पाथवे अलोंग विच बैलेंसिंग सिलेक्शन कैन अकर। अब जो हमारे यहाँ पे बैलेंसिंग सिलेक्शन है ना, उसके लिए हमारे यहाँ पे दो पाथवे हो सकते हैं। एक हमारे यहाँ पे क्या है हेटरोजाइगस एडवांटेज, और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हेटरोजाइगस एडवांटेज के लिए, एग्जाम्पल ऑफ हेटरोजाइगस एडवांटेज सिकल सेल अलील ऑफ ह्यूमन बीटा ग्लोबिन जीन। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया जो हमारे यहाँ पे होता है सिकल सेल अलील, तो वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर आएगा बैलेंसिंग सिलेक्शन के अंदर, और बैलेंसिंग सिलेक्शन में भी किसमें हेटरोजाइगस एडवांटेजेस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है ए होमोजाइगस इंडिविजुअल विद टू कॉपीज ऑफ दिस अलील हैज सिकल सेल डिजीज, ए हेरिडेटरी डिजीज, एंड इफ हैज ए लोअर फिटनेस देन द होमोजाइगस विद द टू कॉपीज ऑफ द नॉर्मल एंड मोर कॉमन बीटा ग्लोबिन अलील। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे होमोजाइगस इंडिविजुअल रहते हैं जिसके अंदर जो दोनों के दोनों अलील है वे हमारे कौन से है सिकल सेल डिजीज के है। ठीक है, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव। और अगर हमारे यहाँ पे होमोजाइगस इंडिविजुअल की बात करें जिसके पास दोनों के दोनों हमारे अलील कौन से है सिकल सेल वाले है, तो यहाँ पे उनके अंदर क्या हो जाएगी एक यहाँ पे डिजीज हो जाती है सिकल सेल अनीमिया, जो कि हमारी क्या होती है एक हेरिडेटरी डिजीज होती है। ठीक है, जो हमारे होमोजाइगस इंडिविजुअल है जिनके पास दोनों के दोनों अलील हमारे सिकल सेल डिजीज के है, ठीक है, उनके अंदर तो यहाँ पे डिजीज हो जाएगी एंड हैज ए लोअर फिटनेस। अब यहाँ पे क्योंकि उनके अंदर डिजीज है तो उनकी जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, हैज ए लोअर रिप्रोडक्टिव फिटनेस देन द होमोजाइगस विद द टू कॉपीज ऑफ द नॉर्मल एंड मोर कॉमन बीटा ग्लोबिन एलील। ये हमारी क्या होंगी उनकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी वो हमारे यहाँ पे कम हो जाएगी, किनके कंपेयर में ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास एक भी यहाँ पे सिकल सेल डिजीज की हमारे यहाँ पे कॉपी नहीं है। ठीक है, और कॉपी नहीं है तो वे हमारे कौन से है नॉर्मल होंगे, और डिजीज वाले हमारे यहाँ पे कौन से हो जाएंगे उनकी जो फिटनेस होगी वो वहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, हाउएवर इन एरियाज वेयर मलेरिया इज एंडेमिक द हेटरोजाइगस आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ फिटनेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे तीन टाइप के हमारे यहाँ पे फिनोटाइप है, एक हमारे यहाँ पे नॉर्मल हो गया जिसके अंदर दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे कॉपी कौन सी है नॉर्मल वाली है, एक हमारे यहाँ पे हेटरोजाइगस हो जाते हैं जिसके अंदर हमारा क्या है कि एक हमारे यहाँ पे जो कॉपी होगी, ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक्स एक्स, ठीक है, एक्स यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, ये हमारे यहाँ पे नॉर्मल जैसे कि ऑटोसोम्स है, ये हमारे नॉर्मल्स हो गए, ये हमारे हेटरोजाइगस हो गए। अब हेटरोजाइगस में हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारे यहाँ पे अलील कौन सा होगा सिकल सेल वाला होगा, और एक हमारे यहाँ पे अलील कौन सा होगा नॉर्मल वाला होगा, और एक हमारे यहाँ पे होमोजाइगस हो जाता है डिजीज वाले। जो हमारे डिजीज वाले होंगे इनके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों हमारे जो अलील है वे हमारे यहाँ पे सिकल सेल वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल वाले हैं इनकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी वो हमारे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होगी एज कम्पेयर टू डिजीज वाले। ठीक है, इनके अंदर तो डिजीज है ही तो इसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस यहाँ पे क्या हो गई कम हो गई। लेकिन यहाँ पे एक केस आता है कि जहाँ पे मलेरिया केसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते थे, जिन एरिया के अंदर मलेरिया केसेस ज्यादा होते थे, तो वहाँ पे क्या है कि जो हेटरोजाइगस इंडिविजुअल है ना उनकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है नॉर्मल से भी, और जो हमारे यहाँ पे डिजीज वाले हैं उनसे भी। अब ये क्यों होता है, हाउएवर इन द एरिया वेयर मलेरिया इज एंडेमिक द हेटरोजाइगस हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ फिटनेस। अब यहाँ पे ये क्यों होता है, देखो जो हमारे मलेरिया होता है मलेरिया के लिए हमारे यहाँ पे जो कोजल ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है प्लाज्मोडियम होगा। ठीक है, जो हमारे सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना इसके अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी होता है आरबीसी की जो शेप है वो सिकल शेप हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली ये कैसे होते हैं राउंड शेप के होंगे,
अब ये हमारे किस किस शेप के होंगे, यहाँ पे सिकल शेप के होंगे। तो जो हमारे डिजीज वाले हैं इनके अंदर तो क्या हो गया, ये बिल्कुल ही हमारी सिकल शेप हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, इनके अंदर हमें सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे डिजीज देखने को मिलती है। और ये अगर यहाँ पे हमारे आरबीसी हो है, जो अगर यहाँ पे सिकल शेप के हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन कैरियर कर रहे थे वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एफिशियंटली नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इनकी तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस देखो यहाँ पे बिल्कुल कमी होगी, ये तो मैं यहाँ पे कंफर्म है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करें नॉर्मल और हेटरोजाइगस के लिए, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मलेरिया डिजीज ज्यादा फैल रही है, ठीक है। अब नॉर्मल के अंदर तो क्या है, नॉर्मल हमारा बिल्कुल यहाँ पे ओव्यूल शेप जो हमारे यहाँ पे आरबीसी होता है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे हेटरोजाइगस है ना, इनके अंदर क्या है कि थोड़ा सा ये हमारा किस शेप का हो गया, यहाँ पे सिकल शेप का हो गया। अब सिकल शेप होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो हमारे यहाँ पे है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे मलेरिया के लिए कोजल ऑर्गेनिज्म है, वे हमारे इस ओव्यूल शेप के अंदर तो हमारे यहाँ पे क्या है, ये तो हमारे यहाँ पे इजिली इसके अंदर सर्वाइव कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिकल शेप वाले हैं, तो इसी वजह से हेटरोजाइगस वाले के अंदर क्या है कि जो हमारे प्लाज्मोडियम है ना, ये हमारे यहाँ पे इजिली इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अगर ये इसके अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे इसको इफेक्ट कर ही नहीं पाएंगे इंडिविजुअल को। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे हेटरोजाइगस वाले है ना, इनकी यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। नॉर्मल के अंदर हमारा जो मलेरिया है उसके होने के यहाँ पे चांसेस ज्यादा है। अब देखो दो हमारे यहाँ पे केसेस चल रहे हैं, एक तो हमारे यहाँ पे कौन सा चल रहा है, सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे चल रहा है, और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, मलेरिया चल रहा है। अब नॉर्मल और अगर यहाँ पे हेटरोजाइगस की बात करें तो ये भी हमारा सिकल सेल एनीमिया के लिए कैसा है, फिनोटाइप तो इसका नॉर्मल है, और ये भी हमारा कैसा है, नॉर्मल है, डिजीज तो ना इसके अंदर ना इसके अंदर, तो इसको तो यहाँ पे हम इजिली सर्वाइव कर लिया, इसको तो यहाँ पे हमने ओवरकम कर लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें मलेरिया के लिए, तो मलेरिया होने के चांसेस किसके ज्यादा है, नॉर्मल के अंदर ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो यहाँ पे आरबीसी है वो हमारे यहाँ पे कैसा है, राउंड शेप का हो गया, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे दूसरा है हेटरोजाइगस, इसके लिए जो यहाँ पे आरबीसी है वो हमारे कैसे है, सिकल शेप है, तो इसलिए यहाँ पे जो मलेरिया पैरासाइट होगा वो हमारे यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा इसके अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि जो हेटरोजाइगस है उसकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी वो यहाँ पे क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो अलग अलग कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ पे दो अलग अलग हमारे यहाँ पे अलील इंक्रीज हो रहे हैं। जब यहाँ पे मलेरियल कंडीशन है तो वहां पे हमारा क्या है, हेटरोजाइगस की यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, और जब हमारे यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन होगी तो वहां पे हमारे जो नॉर्मल वाले होंगे उनके यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे यहाँ पे, या फिर अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए भी चाहिए कि चलना ना, एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर भी, ठीक है। अभी तो हम क्या कह रहे थे कि अलग अलग कंडीशन यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अगर हमारी सेम कंडीशन भी होती है ना तो वहां पे भी हमारा क्या होगा कि वहां पे हमारे नॉर्मल वाले की फिटनेस ज्यादा है और जो हमारे यहाँ पे हेटरोजाइगस है इनकी फिटनेस भी यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि दोनों एलील को यहाँ पे हमें क्या करके चलना है, उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को यहाँ पे हमें ज्यादा करके चलना है, ठीक है। जो हमारे डायरेक्शनल होते थे वहां पे हमारे क्या था कि एक पर्टिकुलर टाइप के एलील की हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, जो हमारे स्टेबलाइजिंग होते थे उसके अंदर हमारा क्या होता था कि एक इंटरमीडिएट वाले की हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती थी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस हमारी ज्यादा होती थी। लेकिन जो हमारे बैलेंसिंग है इसके अंदर हम क्या कह के चल रहे हैं कि हमारे दोनों के दोनों एलील है ना उनके हमें यहाँ पे सर्वाइव करके चलना है, दोनों की हमारे यहाँ पे जो फिटनेस है वो यहाँ पे ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, बैलेंसिंग सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। कंपेयर विद द नॉर्मल होमोजाइगस, हेटरोजाइगस हैव 10 to 15% बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल इफ इन्फेक्टेड बाय द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, बैलेंसिंग सिलेक्शन। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, होमोजाइगस के, हेटरोजाइगस के अकॉर्डिंग हेटरोजाइगस एडवांटेज। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा आता है बैलेंसिंग सिलेक्शन के अंदर, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। इट इज अनदर मैकेनिज्म दैट कॉजेज द बैलेंसिंग सिलेक्शन, इट डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर द फिटनेस ऑफ वन फिनोटाइप इज डिपेंडेंट ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी रिलेटिव टू द अदर फिनोटाइप इन द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन के अंदर, कि जो एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे जो एलील होगा ना उसकी फ्रीक्वेंसी खुद के जो यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी ना उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, इट डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर द फिटनेस ऑफ वन फिनोटाइप, एक हमारा जो फिनोटाइप है ना, ठीक है, उसकी जो यहाँ पे फिटनेस जो यहाँ पे डिपेंड करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी रिलेटिव टू द अदर फिनोटाइप इन द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो दूसरा फिनोटाइप है ना उसकी यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी है, उसके कितने नंबर है, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे जैसे कि एक हमारा ए फिनोटाइप है, एक हमारे यहाँ पे बी फिनोटाइप है, तो जो ए है ना इसकी जो यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पे किस, जो यहाँ पे इसकी रिलेटिव फिटनेस होगी वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो हमारे कि बी के यहाँ पे कितने नंबर है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन होता है उसके हमारे यहाँ पे दो टाइप होते हैं, एक हमारे यहाँ पे नेगेटिव, एक हमारे यहाँ पे पॉजिटिव। इन द नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन, पहले अगर हम यहाँ पे बात करें नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव के अंदर हमारा क्या, यहाँ पे क्या होगा, रेयर फिनोटाइप आर फेवर्ड ओवर द कॉमन फिनोटाइप। जो हमारे यहाँ पे नेगेटिव टाइप का जो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन होगा इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा रेयर फिनोटाइप होगा, ठीक है, इसके यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी वो यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, कॉमन
वालों की यहाँ पे क्या होगी, ये यहाँ पे कम होगी। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैनी स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एग्जिस्ट एज डिफरेंट कलर्ड अ फॉर्म आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट द कलर। विजुअली सर्चिंग प्रीडेटर ऑफ्टन डेवलप ए सर्चिंग इमेज ऑफ वन फॉर्म, वन कलर फॉर्म, यूजली द कॉमनर। दे प्रे देन प्रोलिफरेट इन रेयर फॉर्म अंटिल इट बिकम द मोर कॉमन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक हमारे यहाँ पे प्रीडेटर हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या होगी, प्रे पॉपुलेशन है। अब ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रेड कलर है ना, वो हमारे यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, अब प्रीडेटर क्या करेगा, वो यहाँ पे देखेगा कि रेड कलर वाले तो यहाँ पे क्या थे, इसके प्रे थे, इनके ऊपर तो इनको फीड करना है, इनको तो खा जाना है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इन रेड कलर वाले को ये इजिली खा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई हमारा रेयर कलर का हमारे यहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअल होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई व्हाइट कलर का हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, अब प्रेडेटर क्या करेगा, प्रेडेटर फिर से आया, रेड कलर वाले को तो खा जाएगा, लेकिन ये देखेगा कि यहाँ पे कोई व्हाइट कलर का भी है, लेकिन व्हाइट कलर के लिए इसके इमेज, इसके माइंड में यहाँ पे क्या इमेज है कि व्हाइट कलर का तो इसका यहाँ पे जो फीड है वो तो है ही नहीं, व्हाइट कलर वाले को तो खाना ही नहीं है, खाना किसको है, जो हमारे यहाँ पे रेड कलर वाले है, तो इसीलिए वो यहाँ पे व्हाइट कलर वाले को तो किल करेगा ही नहीं, वो यहाँ पे किल किसको करेगा, जो हमारे यहाँ पे रेड कलर के होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे कॉमन कलर के जो हमारे यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि जो कॉमन फिनोटाइप है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, उनकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो यहाँ पे कम है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई हमारा रेयर कलर का है, यानी कि रेयर फिटनेट अगर यहाँ पे फिनोटाइप है, तो उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे इसके जो चांसेस रहेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ज्यादा रहेंगे। ठीक है, इसकी जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्रेडेटर इसको तो यहाँ पे ईट कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारा नेगेटिव डिपेंडेंट सिलेक्शन होता है, इसके अंदर हमारे जो रेयर फिनोटाइप होंगे उनकी जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कॉमन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। और यहाँ पे आगे फर्दर क्या है कि जब यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी, कंडीशन चेंज का मतलब क्या हो गया कि जब हमारे यहाँ पे व्हाइट कलर वाले क्या हो जाएंगे, ये हमारे मोर कॉमन हो जाएंगे या फिर ये कॉमन भी हो जाएंगे, अगर इनके नंबर भी यहाँ पे हमारे ज्यादा हो जाएंगे, तो प्रीडेटर क्या करेगा, एक बार तो इनको भी टेस्ट करेगा कैसे है ये, अगर ये यहाँ पे है तो वही इंडिविजुअल ना, तो यहाँ पे इसको क्या करेगा, इसको खाएगा तो इसको भी क्या लगेगा कि हाँ ये तो मेरा ही फूड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो वो रेड कलर वाले को भी खा जाएगा और जो यहाँ पे व्हाइट कलर वाले होंगे उनको भी यहाँ पे खा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे किसके अंदर आता है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। दूसरा हमारे यहाँ पे कौन सा टाइप होता है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे कॉमन वाले होंगे, कॉमन कलर के होंगे, उनका जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सक्सेस होगी वो हमारे यहाँ पे ज्यादा होगी, और रेयर वालों की यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वेयर प्रे आर वार्निंग कलर्ड टू एडवर्टाइज बैड टेस्ट और टॉक्सिसिटी, द प्रे गेन द मोस्ट बेनिफिट, वेयर एज मैनी इंडिविजुअल हैव वार्निंग कलरेशन एंड द प्रेडेटर इज डेटेड। अब देखो यहाँ पे हमारा सेकंड केस क्या होता है, पॉजिटिव डिपेंडेंट, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन का। इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे एक कॉमन कलर है, कॉमन कलर यहाँ पे कौन सा हो गया, रेड वाला हो गया। ठीक है, और इसके लिए ये हमारी क्या है, एक प्रे यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है, और यहाँ पे इसके लिए क्या है, एक प्रेडेटर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेडेटर है ना, वो हमारे यहाँ पे इनको ईट करने के लिए आता है, लेकिन उसके माइंड में ना अब की बार यहाँ पे क्या इमेज है, देखो पहले तो ये क्या कर रहा था, रेड कलर वाले को यहाँ पे ये खा रहा था, ये तो हमारी एक अलग कंडीशन थी, यहाँ पे हमारी सेपरेट कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट कंडीशन में क्या है कि अब की बार जो प्रेडेटर है ना, उसके माइंड में यहाँ पे क्या इमेज है कि जो रेड कलर वाले है ना, वो तो हमारे यहाँ पे कौन सा है, टॉक्सिक नेचर के है, पास्ट कोई इनका यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, और उसके बेस पे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रेड कलर वाले हैं उनको नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, क्योंकि वे हमारे यहाँ पे टॉक्सिक कलर के होते हैं। ठीक है, और अगर इस पॉपुलेशन के अंदर अगर हमारा कोई यहाँ पे रेयर कलर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे कोई व्हाइट कलर का आ गया, तो यहाँ पे प्रेडेटर क्या करेगा, रेड कलर वाले को तो नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, क्योंकि हमारे टॉक्सिक दिखे थे, लेकिन यहाँ पे जो व्हाइट कलर के हैं, इसके लिए तो इसके लिए मन में कोई भी यहाँ पे इमेज है नहीं, तो वो क्या करेगा, इन वाले को तो यहाँ पे खा जाएगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे हमारे रेयर वाले हैं उनकी यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, और जो हमारे कॉमन वाले हैं, ठीक है, क्योंकि रेड कलर के हैं वे हमारे कैसे हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो इनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंदर आएगा, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे फोर्थ टाइप होता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल एट बोथ एक्सट्रीम ऑफ ए रेंज रेदर देन द इंटरमीडिएट। देखो जो हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट होता था डायरेक्शन सिलेक्शन, उसके अंदर हमारा क्या होता था कि एक हमारा जो एक्सट्रीम होता था सिंगल एक्सट्रीम, ठीक है, उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस यहाँ पे ज्यादा होती थी। जो हमारा स्टेबलाइजिंग जो हमारे यहाँ पे सिलेक्शन होता था, उसके अंदर हमारा क्या होता था कि जो हमारे
इंटरमीडिएट जो हमारे फिनोटाइप होते थे उनकी फिटनेस यहाँ पे क्या होती थी, सबसे ज्यादा होती थी। लेकिन जो हमारे यहाँ पे डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है, इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारे दोनों के दोनों एक्सट्रीम है ना, ठीक है, उन दोनों की फिटनेस यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि जो हमारा डायरेक्शनल था, डायरेक्शनल के अंदर हमारा क्या होता था, सिर्फ एक ही हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम चलता था। जो हमारे यहाँ पे डिसरप्टिव होगा, इसके अंदर हमारे क्या होंगे कि दोनों के दोनों जो हमारे एक्सट्रीम होंगे ना, उनकी फिटनेस यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एट बोथ द एक्सट्रीम ऑफ ए रेंज रेदर देन द इंटरमीडिएट। इट इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द बैलेंसिंग सिलेक्शन वेयर इंडिविजुअल ऑफ द एवरेज ट्रेट वैल्यू आर फेवर्ड अगेंस्ट दोज ऑफ द एक्सट्रीम ट्रेट वैल्यू। जो हमारा बैलेंसिंग वाला होता था सिमिलर उसी की तरह हमें हमारा आप होता है, लेकिन बैलेंसिंग के अंदर तो हमारा क्या होता था कि इंटरमीडिएट वाले को भी हम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन डिस्ट्रप्टिव के अंदर हमारा क्या होगा कि एक्सट्रीम वाले को ही यहाँ पे हम सिलेक्ट करके चलेंगे। द फिटनेस वैल्यू ऑफ वन जीनोटाइप आर हायर इन वन इन्वायरमेंट वाइल द फिटनेस वैल्यू ऑफ द अदर जीनोटाइप आर हायर इन द अनदर इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करें डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन के लिए, तो इसके अंदर हमारा क्या आता है कोलोनियन बेंट ग्रास एग्रोटिस टेनुलिस। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा इन सर्टेन लोकेशन वेयर ग्रास इज फाउंड आइसोलेटेड प्लेस अक्कर वेयर देर आर ए हाई लेवल ऑफ हैवी मेटल सच एज कॉपर फ्रॉम माइनिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पे ये हमारा ये जो ग्रास है ना वो हमें देखने को मिलता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह पे भी ये हमारा ग्रास हमें देखने को मिलता है जहाँ पे जो हैवी मेटल है उसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या होती है हाई होगी, हाई लेवल ऑफ हैवी मेटल जैसे कि यहाँ पे कॉपर। सच पॉल्यूशन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर म्यूटेंट स्ट्रेन दैट शो टॉलरेंस टू द कॉपर। अब क्या है कि जहां पे हमारा जो हैवी मेटल है ना वो हमारा ज्यादा होता है, तो उसके अंदर भी ये हमारा जो ग्रास है वो हमारे यहाँ पे इजिली ग्रो हो रहा था। वो क्यों ग्रो हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है, उसके अंदर यहाँ पे टॉलरेंस जनरेट होगी हैवी मेटल के लिए। दिस जेनेटिक चेंज इनेबल द प्लांट टू ग्रो ऑन द कॉपर कंटेमिनेटेड सॉइल बट टेंड्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द स्टैंडर्ड और अनकंटेमिनेटेड सॉइल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये जेनेटिक चेंज हुआ है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे कंटेमिनेटेड सॉइल है उनके अंदर हमारे जो टॉलरेंस वाले, देखो टॉलरेंस कहाँ से आएगी, टॉलरेंस कहाँ से आएगी, जीनोटाइप से ही आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे इंडिविजुअल जो यहाँ पे हमारे बेंट ग्रास है जो कि हमारे टॉलरेंट हो चुके हैं कॉपर स्ट्रेस के लिए, तो उनके अंदर क्या हो चुका है, उनके अंदर कुछ जेनेटिक चेंज यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इस जेनेटिक चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे कंटेमिनेटेड सॉइल थी जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा था उनके अंदर, तो क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर जेनेटिक चेंज हो चुका है, टॉलरेंस यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, तो यहाँ पे तो ये सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन जो हमारे नॉन कंटेमिनेटेड सॉइल है ना उनके अंदर क्या है कि वहाँ पे हमारे कौन से सर्वाइव करेंगे जिनके अंदर हमारा कोई जेनेटिक चेंज नहीं हुआ है, जिनके अंदर कोई टॉलरेंस यहाँ पे नहीं थी, जो हमारे नॉर्मल थे। ठीक है, नॉर्मल वाले की यहाँ पे क्या होगी रिप्रोडक्टिव फिटनेस यहाँ पे ज्यादा होगी, और कंटेमिनेटेड के अंदर हमारा क्या होगा कि जिनके अंदर हमारा चेंज हो चुका है उनके यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी वो हमारे यहाँ पे ज्यादा होगी। तो अलग अलग कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग हमारे यहाँ पे चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जब हमारे यहाँ पे कंटेमिनेटेड है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर स्ट्रेस ज्यादा है, तो उस केस में तो क्या है जो हमारे यहाँ पे टॉलरेंस वाले हैं उनकी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस हमारे यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, और जो हमारे नॉन कंटेमिनेटेड वाली कंडीशन होगी तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे नॉर्मल वाले हैं उनकी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिटनेस हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, दिस जेनेटिक चेंज इनेबल द प्लांट टू ग्रो ऑन द कॉपर कंटेमिनेटेड सॉइल बट टेंड्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑन द स्टैंडर्ड अनकंटेमिनेटेड सॉइल। दिस रिजल्ट इन द मेटल रेजिस्टेंट प्लांट ग्रोविंग ऑन कंटेमिनेटेड साइट दैट आर क्लोज टू ए टिपिकल प्लांट ग्रोविंग ऑन द अनकंटेमिनेटेड प्लांट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा इनिशियली हमारा क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे सेंसिटिव प्लांट थे उनके हमारे यहाँ पे नंबर ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे पोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसके क्या हो जाता है कि कुछ हमारे जहाँ पे हमारा जो कंडीशन है वो हमारे नॉर्मल है, जहाँ पे कंटेमिनेशन इतने ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे नॉर्मल वाले हमारे यहाँ पे ग्रो हो जाएंगे जो कि हमारे सेंसिटिव थे। ठीक है, और जहाँ पे हमारे ज्यादा यहाँ पे हमारा पोल्यूशन होगा, ज्यादा हमारे यहाँ पे कॉपर कंटेंट होगा, तो वहां पे हमारा क्या होगा कि जो हमारे टॉलरेंट जो हमारी वैरायटी होगी वो वहां पे हमारी सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है कि हमारे यहाँ पे जो एक्सट्रीम वाले हैं, या तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे हमारे टॉलरेंट नहीं हो या फिर आप बिल्कुल यहाँ पे टॉलरेंट हो, तो जो हमारे एक्सट्रीम कंडीशन है वो हमारे यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट वाले हैं उनके नंबर यहाँ पे कम होंगे, क्योंकि ना तो ये हमारे अच्छे तरीके से जो हमारे अनकंटेमिनेटेड सॉइल है वहां पे हमारे सर्वाइव कर पा रहे हैं, और ना ही वे उस जगह पे सर्वाइव कर पा रहे हैं जहाँ पे हमारे कंटेमिनेशन ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, डिसरप्टिव सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे मेजरली जो हमारे यहाँ पे चार टाइप पड़े हैं ना, तो उसके अंदर हमारे तीन टाइप यहाँ पे हमारे और भी ज्यादा मेजर हो जाते हैं, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे डायरेक्शन सिलेक्शन है, स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव। ये केसेस आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इन्हीं के ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है डायग्रामेटिकली। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंदर, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा एक पर्टिकुलर फिनोटाइप जो होगा, एक एक्सट्रीम जो होगा, उसके यहाँ पे हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, सबसे ज्यादा होंगे, और बाकी के यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी वो हमारे यहाँ हो जाएंगे, यहाँ पे कम हो जाएगी।
है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो एक्सट्रीम है ठीक है, उसके यहाँ पे रिलेटिव फिटनेस यहाँ पे क्या हो गई, सबसे ज्यादा हो गई, इसकी यहाँ पे फिटनेस सबसे ज्यादा है और बाकियों की यहाँ पे रिलेटिव फिटनेस कम हो गई। जो हमारे यहाँ पे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, इसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा इंटरमीडिएट होगा इसके हमारे यहाँ पे नंबर क्या होंगे, सबसे ज्यादा हो जाएंगे, इनकी यहाँ पे रिलेटिव फिटनेस यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और जो हमारे एक्सट्रीम वाले होंगे उनकी यहाँ पे रिलेटिव फिटनेस कम होगी। और जो हमारे यहाँ पे डिसरप्टिव होता है, इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारे दोनों के दोनों जो एक्सट्रीम है ठीक है, इनकी यहाँ पे रिलेटिव फिटनेस यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, और जो हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट वाले हैं उनकी यहाँ पे रिलेटिव फिटनेस सबसे कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे दो टर्म और आती है, एक हमारे यहाँ पे होता है टारगेट ऑफ सिलेक्शन और एक हमारे यहाँ पे होता है सिलेक्टिंग एजेंट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टारगेट ऑफ सिलेक्शन के लिए, तो ये हमारा क्या होता है, द फिनोटाइप ट्रेट दैट सिलेक्शन एक्ट डायरेक्टली अपॉन कॉल्ड इज द टारगेट ऑफ सिलेक्शन। जैसे कि हमने पीछे फिंचेस की बात की थी ना, गैलापागोस फिंचेस की, तो उनके अंदर हमारा क्या होता था कि वहां पे हमारा जो बीक साइज होता था ठीक है, ये हमारा क्या होता था, वो फिनोटाइप होता था जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, उनकी सिलेक्शन वहां पे हम कर रहे थे ठीक है, किसकी बीक साइज कितनी ज्यादा है ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम उनको क्या कर रहे थे, उनको अलग अलग यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करके चल रहे थे ना, उनको वहाँ पे हम नेचुरल सिलेक्शन पे लेके चल रहे थे। तो जो हमारे यहाँ पे ये वाला जो फिनोटाइप होगा ना बिग साइज का, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे टारगेट ऑफ सिलेक्शन। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या आता है, सिलेक्शन एजेंट, सिलेक्टिव एजेंट, सॉरी, सिलेक्टिव एजेंट हमारा क्या होता है, इट इज द इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ फिटनेस डिफरेंस अमंग द ऑर्गेनिज्म विद अ डिफरेंट फिनोटाइप। अब जो यहाँ पे हम बिग साइज की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे इसका अलग अलग साइज हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, वो साइज किस बेसिस पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कौन सा हमारे यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंटल चेंज हुआ जिसकी वजह से इनकी अलग अलग बीस साइज हमारे पे में देखने को मिल रही है, तो उसी को आप हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव एजेंट। ठीक है, सिलेक्टिव एजेंट जैसे कि अगर हम बिग साइज वाले को लेकर चले, तो वहां पे हमारा क्या होता था कि जो सीड होते थे ना वे हमारे क्या हो जाते थे वहां पे, सिलेक्टिव एजेंट। ठीक है, सीड साइज, जितना ज्यादा सीड साइज होता था ज्यादा, और उनका ड्रायर या फिर लार्जर जो सीड साइज होता था वो हमारे क्या हो जाते थे, बिग साइज भी वहां पे हमारा लार्जर देखने को मिलता था, तो वो हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव एजेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको स्टडी करना हो, तो आप इन रेफरेंस के थ्रू स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR, नेट साइंस, लाइफ साइंस, डीवीटी बैट CRF और गेट लाइफ साइंस रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।